गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी वाला संडे। एंड हमारा संडे थोड़ा सा लेट चालू हुआ। एक्चुअली लेट स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने स्टार्ट किया है लेट। कल रात बहुत लेट तक हम लोग जगे थे एंड एक मूवी देख रहा था। मैं भी कुछ ना कुछ देख रही थी यूट्यूब में वीडियोस। बेसिकली मैं रात में फूड ब्लॉगर्स लोगों को थोड़ा ऐसे सर्च करने में लग जाती हूँ क्या है क्या नहीं, एंड उनके रेसिपीज़, उनके फूड ब्लॉग्स मैं देखने लग जाती हूँ। मैं एकदम से मुझे स्वीट्स का क्रेविंग हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा खा भी लेती हूँ। जो भी है, वीकेंड्स वाला नाइट हमारा थोड़ा ऐसा ही जाता है, लेट ख़त्म होता है एंड मॉर्निंग भी बहुत लेट स्टार्ट होता है। आज भी मॉर्निंग में उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया, प्रॉपर ब्रेकफास्ट। मतलब मील्स में हम लोग कभी गैप नहीं रखते, हम लोग प्रॉपर मील्स लेते हैं गाइस, प्रॉपर। एंड उठ के 11 बजे उठे तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं भी लंच का प्रिपरेशन करने लगी। एंड या लंच पे आज बहुत कुछ था एंड फटाफट मैंने जल्दी जल्दी में खाना बनाया एंड खा भी दिया हमने। तो अभी टाइम हो रहा है, एक सेकेंड हाँ मैं देख के बताती हूँ। अभी 5 बज गया है, इवनिंग बोल सकते हैं, लेकिन इवनिंग इधर मतलब मुंबई वाले लोग तो इवनिंग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते क्योंकि इस टाइम पे इतना धूप रहता है, इतना धूप रहा है। अभी मम्मी को कॉल करो ना तो मम्मी बोलेगी इतना धूप, मतलब अभी तो अंधेरा हो रहा है। मीन्स ऐसा ही होता है हमारे साथ, इधर कब रात हो रहा है कब दिन हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है जब तक आप टाइम ना चेक करो। ऑरेंज जूस पी लिया, फिर वाटरमेलन खाया थोड़ा सा, एंड तरीक ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया वर्जिन मोहितो के साथ, थोड़ा सा ऑरेंज जूस मिक्स करके सोडा वोडा डाल के बहुत टेस्टी एक ड्रिंक बनाया था, वो भी पी लिया मैंने थोड़ा सा। अभी सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा रेडी होना चालू कर दूँ क्योंकि टाइम इतना फटाफट निकल रहा है ना, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कब शाम हो रहा है, कब लाइट जा रहा है, कब लाइट आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अभी देखो ना, बात करते करते 5:30 भी हो जाएगा तो मैं रेडी हो लूँगी एंड उसके बाद कहीं तो जाएंगे। एक्चुअली वीविया ना बहुत दिन नहीं गए, एक बार ऐसे ही थोड़ा विंडो शॉपिंग में जाते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो शॉपिंग कर लेंगे, बाकी का आप लोग तो हो ही तो देखते रहो। बाहर देखो कितना ज़्यादा धूप है। निकल गए हैं, जा रहे हैं बीवी आना, और जाने से पहले शरीर को बहुत ज़्यादा धूप लग गया था तो हम लोग आए हैं स्वामी में जो मिडोज के पास है। कुछ तो खाएंगे फिर जाएंगे क्योंकि उसको जाने तक वेट नहीं, मतलब वेट नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत धूप लग गया है और ट्रैफिक भी है आज, तो सोचा कुछ नहीं होता है, तो खा लेते हैं फिर देखते हैं। 2000 years later. अभी हम लोग घर आ गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:30, एक्चुअली आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट, हम लोग घर आ गए एंड हम लोग गए थे विवियाना मॉल। उधर जाने के बाद फिर चीकू लोगों से मिले एंड मैं थोड़ा क्लिप लेना भूल गई थी उन लोगों के साथ, बहुत मतलब 2-3-4 दिन बाद, ऐसा मतलब एक हफ्ता ही बोल सकते हो, एक हफ्ते बाद हम मिले, मतलब मैं मिली चिकू से क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा था। तो थोड़ा ऐसा टाइम स्पेंड किया, फिर वो लोग शायद डिनर कर रहे हो वहीं पे, और मैंने घर में मैं खाना बना के गई थी एक्चुअली आज, दम आलू और रोटी। फिर आते आते आने के टाइम पे मुझे ना थोड़ा स्वीट क्रेविंग हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो, 2 दिन से फ्रिज में जलेबी था वो भी हमने ठूस ठूस के ख़त्म कर दिया है, तो आने के टाइम पे जलेबी लेके आए फिर से, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। एंड बहुत दिनों बाद, सालों बाद भी आप बोल सकते हो, हम आज लेके आए नॉलिन गुड़े रसगुल्ला, मीन्स गुड़ से वो रसगुल्ले बनते हैं, मतलब गुड़ का ये रहता है, मिक्सचर रहता है उसमें, तो गुड़ का टेस्ट रहता है। तो वो मुँह पे पानी आ रहा है मेरा, तो वो खाएंगे रोटी के साथ। एंड और क्या लेके आए हम, कुछ लेके नहीं आए, ऐसे ही आ गए, थोड़ा विंडो शॉपिंग करने गए थे, कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहे हैं या नहीं वो देखने गए थे, बट कुछ ऑफ़र नहीं चल रहा है, कुछ भी ऑफ़र नहीं चल रहा है, खाली फुकट टाइम पास हो गया। ठीक है, संडे था वैसे भी,
एंड मैं एज यूजुअल व्लॉग का तो थोड़ा मतलब भूल ही जाती हूँ, फिर भी ट्राई कर रही हूँ, फिर से ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ मैं. अभी क्या होता है ना, व्यूज़ भी नहीं मिलता है. एंड मुझे पता है कि अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ, इसी वजह से एक्टिव नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे व्यूज़ थोड़ा कम मिल रहा है. बट फिर भी वो होता है ना, एक लाइक, एक कमेंट, ये सब थोड़ा सा हिट करता है, जो मुझे नहीं मिल रहा है अभी. सो कुछ कुछ लोग तो देखते हैं एंड वो फिर से रिटर्न आके फिर से देखते हैं वो व्लॉग, फिर भी एक लाइक करने में पता नहीं क्या जाता है उन लोगों का. जो भी है, बंगाल में मेरी दीदी के घर में भी एक आज थोड़ा फंक्शन टाइप बोल सकते हो. एक्चुअली शोनाई, शोनाई मीन्स मेरी दीदी के बेटे, उसका बर्थडे रहता है 26 दिसंबर को. तो उस टाइम पे वो भी शायद नहीं था. ओके ओके, उस टाइम पे पोस्ट मेला चल रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट रीज़न क्या था. तो बर्थडे उतना खास, मतलब उतना अच्छे से नहीं हुआ था, सेलिब्रेशन जो भी था सेलिब्रेट उतना अच्छे से नहीं किया था. तो आज थोड़े उसके स्कूल फ्रेंड्स वगैरह सब मिलके थोड़ा पार्टी वगैरह किया, घर के रिलेटिव्स वगैरह मिलके. वही मुझे अभी तक फोटोज वीडियोज नहीं मिला, अगर मुझे मिला तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड कर दूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी. एंड या मैं बहुत मिस कर रही थी थोड़ा सा, मतलब बाहर गई थी, फिर भी मेरा ना मन ही मन चल रहा था बंगाल में. अभी वो सब एक साथ ऐसे होता है, एक्चुअली होता रहता है. मैं ना स्पीकर पे हाथ रख के बोल रही हूँ, तो ऐसे होता रहता है एक्चुअली. इतना दूर जब आप रहते हो, घर छोड़ के, रिलेटिव छोड़ के, मम्मी पापा छोड़ के, तरीत का भी होता है. लेकिन तरीत का भी थोड़ा सा आदत पड़ गया और वो दिखाता भी नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती कभी कभी, तो क्या हो जाता है. कुछ दिन पहले तरीत के फैमिली में, मतलब मेरे ससुराल वाले फैमिली में भी बहुत शादी वगैरह चल रहा था. उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था, मतलब तरीत के मम्मी, मतलब मेरे सासू माँ बोल रहे थे कि यार तुम लोग अगर रहते थोड़ा पास में भी तो अटेंड कर सकते थे. तो ये होता रहता है, चलता रहता है. तो अभी तो आदत डाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, हाँ बहुत दूर आ गई. जो भी है, अभी हम डिनर करेंगे. डिनर करने के बाद फिर मैंने अभी जस्ट फेस वॉश किया है, अभी तक कुछ स्किन में अप्लाई नहीं किया, लेकिन मुझे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है क्योंकि मेरा स्किन अभी थोड़ा सा हेल्दी बन रहा है. कोशिश, मेरा स्किन स्किन भी थोड़ा सा मेरे साथ कोशिश कर रहा है हेल्दी होने की. लेकिन देखो कितना मार्क्स आ गया है, गर्मी के वजह से, हीट के वजह से, बॉडी हीट के वजह से. मैं बहुत नॉनवेज खाती हूँ, मतलब हम सब बहुत नॉनवेज खाते हैं, इसी वजह से कभी कभी हो जाता है. तो चलो अभी डिनर करते हैं क्या? चलो डिनर करते हैं. डिनर हो गया डन. एंड डिनर करने के बाद तरी तो दूध पीने वाला है. मैं अभी पी रही हूँ वर्जिन मोहितो, जो मैंने खुद अभी बनाया है अपने हाथों से. एक्चुअली हम लोग वो गए थे ना, महाबलेश्वर गए थे ना, तो उधर से मैप्रो से मैं लेके आई थी मोहितो सिरप लेके आई थी. एंड अभी मिडिल में मुझे पता था कि नहीं मिलता है कहीं पर भी, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला मेरे घर के पास जो सुपरमार्केट है छोटा सा, उधर भी मिलता है, अवेलेबल है. एंड आप लोग चाहो तो आप लोग ऑनलाइन पे भी परचेस कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एंड मैं फ़ोटो भी इधर अटैच कर देती हूँ. वैसा है बॉटल थोड़ा दिखने में, उसमें आपको रेसिपी दिया हुआ रहेगा, मतलब सिरप के साथ आप कितना पी रहे हो, क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड है सिरप देने के बाद. फिर आप मिंट लिप्स ऐड कर सकते हो, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने ऐड किया था. आपके पास नहीं है तो आप ऐड मत करो. एंड सोडा या फिर चिल्ड वाला वाटर आप डाल के मिक्स करके पी सकते हो, एकदम बाहर जैसा लगेगा. थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड कर देना, उससे अच्छा रहता है टेस्ट. यस, सो मैं भी बना के पी रही हूँ. और थोड़ा सा लाइम जूस भी ऐड कर सकते हो, कभी कभी पिएगा दूध. वो थोड़ा निकला था क्योंकि हमारे फ्रिज में जो दूध का पैकेट रखा हुआ था, नॉर्मली हम लोग कंट्री डिलाइट से लेते हैं, फ्राइडे लिया था. फ्राइडे के बाद तरीत ने पिया ही नहीं एंड दूध का पैकेट भी वैसा का वैसा ही था. तो वो गर्म करने रखने के टाइम पे देखा कि ख़राब हो गया है, सो वो फिर से जाके लेके आया. तो यही मैं पीती हूँ, थोड़ा इंजॉय करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं. खाना वाना हो गया है, पर जी मुई तो बना के भी पी लिया है. अभी स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ.
मैं नॉर्मली रात में ज़्यादातर टाइम ना स्किप कर देती हूँ, मतलब जिम से आने के बाद इतना भूख लग जाता है, फिर खाना खा के मेरा ऐसा हालत हो जाता है, उफ भाई मुझे अभी नींद की ज़रूरत है। मतलब एक्चुअली हम लोग बहुत लेट जाते हैं, लेट जाते हैं मीन्स तरीत बहुत लेट आता है, उसके बाद हम लोग कुछ खाना, मतलब तरीत कुछ खाता है ऑफिस से आने के बाद, मैं भी उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह, मतलब स्नैक्स मीन्स हमारा थोड़ा हेवी रहता है, तो उसके बाद मैं भी बाकी मतलब खाना वगैरह जो भी बनाना होता है वो सब बना लेती हूँ, एंड वो थोड़ा रेस्ट ले लेता है तरीत तब तक, तो उसके बाद जिम जाते हैं ना, तो बहुत लेट होता है, आते आते हमारा 11:30 पौने 12 बज जाता है, उसके बाद खाना खाते हैं, मतलब सोने सोते सोते हमारा ना 1 से 1.5 बज जाता है डेली, एंड उसके बाद 7 से 6:30 से 7 बजे के आसपास उठना, एंड उसके लिए टिफिन प्रिपेयर करना, एंड तरीत को भी नहाना पड़ता है, ये वो ब्रेकफास्ट करना, उसका भी मॉर्निंग में मतलब ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं रहता है, फिर भी जोर जबरदस्ती वो खाता है। एक्चुअली वही होता है ना, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा ब्रेकफास्ट, फिर भी तरीत अर्ली राइजर है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं थी शादी से पहले, बट अभी आदत लग गया है मेरा भी कि ठीक है चलो, प्रॉब्लम तो होती है लेकिन हाँ एक हैबिट में आ गई हूँ, मतलब हाँ मुझे वो माइंडसेट रहता है ना कि नहीं वीकडेज पे मुझे इतने बजे उठना है, जो भी है कल फिर से मंडे है, ओहो तरित से ज्यादा तो मुझे होता है टेंशन, तरित को भी रहता है ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन मुझे भी ऐसा होता है ओह बाबा कल फिर से सुबह सुबह उठो, फिर टिफिन पैक करके दो, टिफिन बना के दो, फिर पूरा दिन फिर से मतलब काम रहता है, दोनों का ही काम रहता है, वो तो ऑफिस जाता है एंड मैं भी घर के काम, एंड मेरा जो भी शूटिंग एडिटिंग प्रोडक्ट जो भी काम मैं करती हूँ वो भी रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार सैटरडे संडे बहुत फास्ट फास्ट निकलता है। हाँ अभी थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ, दिखाने के लिए आज मैं कर रही हूँ, मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन शूट के चक्कर में मेरा स्किन केयर भी हो जाएगा, आप लोगों के साथ शेयर करने के चक्कर में ना मेरा भी स्किन केयर हो जाएगा, सो यार मैं लाती हूँ धीरे धीरे एक एक। ओके पहले मैं वो फेस वॉश करके आ गई हूँ, आज मैंने प्लम की सैफरन हनी सैफरन, एक्चुअली मैं भूल गई, मैं इधर फोटो अटैच कर रही हूँ, ये फेस वॉश है, मैंने आज फेस वॉश किया है, बहुत अच्छा है, कभी कभी मैं ऐसे चेंज करती रहती हूँ, तो या पहले मैं यूज़ कर रही हूँ, ओह शिट इसके अंदर पानी कैसे आया, कर रही हूँ ये मॉम्सको का फेस मिस्ट रोज, हाँ इतना प्रोडक्ट्स लेके ऐसे 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 करती रहती हूँ ना, तो मैं खुद भूल जाती हूँ कौन सा यूज़ कर रही हूँ मैं, और रिव्यू करते करते तो ख़त्म हो जाता है मेरा आधा टाइम। ओके पहले मैं स्प्रे कर लेती हूँ, डैप डैप कर लेती हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली ये टोनर या फेस मिस्ट आप जो भी बोल सक कुछ भी बोल सकते हो, ये प्रोडक्ट मुझे जितना जितना मतलब बहुत ही अच्छा है, उससे भी अच्छा लगा इसका पैकेजिंग, पहली बात तो बहुत सही है, एंड इसका जो स्प्रे करने के बाद जो मतलब एकदम से कुछ कुछ स्प्रे का कुछ कुछ स्प्रे बॉटल्स रहते हैं ना, मतलब अच्छे से स्प्रे नहीं होता है फुल फेस, तो ये बहुत अच्छे से स्प्रे हो जाता है वही, एंड इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो जो लोग स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग मीन्स थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं होता है आता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, तो हाँ जो लोग स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं मतलब पसंद नहीं करते उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लुक एट माई फेस, ओ माई गॉड एकदम से देखो एकदम चमकने लगी मैं जो भी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डॉटंकी का ये मॉइस्चराइजर, ये बेस्ट बेस्ट बेस्ट, एक्चुअली डॉटनकी का प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छा है, मैं सनस्क्रीन भी अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो भी डॉटनकी का ही है, एंड
इससे पहले मैंने फेस वॉश भी बहुत यूज़ किया है, अभी फिलहाल प्लम का यूज़ कर रही हूँ। पीआर पैकेजेस इतना आए हुए ना, उन वो सब भी मतलब बहुत जम गया है एक्चुअली। तो या बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर अगर ढूंढ रहे हो तो ये इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत टाइम तक चलता भी है एंड थोड़ा सा क्वांटिटी लेने से ही आपका फुल फेस नेक कवर हो जाता है। मैं ना डेली बेसिस पे मैं ये क्या बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, मैं ना डेली बेसिस पे अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं करती, बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो मैं यूज़ भी कर रही हूँ। ये करना चाहिए एक्चुअली। हम लोग इतना भी सिर्फ नींद के वजह से ही नहीं, हम लोग इतना फ़ोन आजकल के टाइम पे इतना फोन्स, एक्सक्यूज मी, आप मुझे वीडियो बनाने दोगे, मॉस्किटो, ओके। आजकल के टाइम पे हम लोग इतना फ़ोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह जो भी होता है देखते रहते हैं, और मोस्टली काम सब वो सब लोगों का लैपटॉप या फ़ोन पे ही रहता है ना, तो ज़रूरत है। ओ बाय द वे, मैं यूज़ कर रही हूँ द मॉम्सको का अंडर आई क्रीम, ये बहुत अच्छा है। अंडर आई क्रीम अगर आप ढूंढ रहे हो अच्छे, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट है, बट मैं यूज़ नहीं करती। मैं ऐसे फिंगर टिप से भी थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है। एंड सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आप करो, बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में उठने के बाद जो पफिनेस रहता है ना, वो भी नहीं रहता है। और लास्टली मैं यूज़ कर रही हूँ जो बेरी में है, फ्लेवर बेरी, फ्रेग्रेंस बेरी, ये बहुत अच्छा है। ये स्लीपिंग मास्क है, बट मैं नॉर्मली डे टाइम में बोलो या मेकअप शूट से पहले बोलो, ऑल टाइम मैं यूज़ करती हूँ, ऑल टाइम। सो या ये था मेरा छोटू सा नाइट स्किन केयर रूटीन। एंड हैंड क्रीम जो मैं खरीद के रख देती हूँ बार बार, हज़ारों, बट कुछ कुछ पीयर पैकेज में भी आता है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो उनमें से ही एक है, एक्सक्यूज मी, उनमें से ही एक है प्लम का ये हैंड क्रीम जो कैरमल पॉपकॉर्न फ्लेवर में है, एंड बहुत बहुत अच्छा है। यस, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा अप्लाई भी कर लेती हूँ। वैसे भी मेरी मेड कल आने रही वाली है, कल मुझे थोड़ा सा लगेगा ही। सो या आज से ही मैं अपने हाथों को, प्यारे प्यारे हाथों को थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखती हूँ। आई डोंट नो, इस व्लॉग में मैंने इतना बड़बड़ किया है ना, आप लोग पक जाओगे। ओह माय गॉड, तरीत को देख के मैं डर गई, तरीत मुझे छुप के से देख रहा है दरवाजे से। सो या मैंने हैंड क्रीम भी अप्लाई कर लिया है अच्छे से। एक्चुअली बहुत बार बोल चुकी हूँ, एक्चुअली मैं ना व्लॉग की इंट्रो में थोड़ा सा मैं क्लिप ऐड कर दूंगी कि आ जाओ भाई लोग, आप लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि इस व्लॉग में मैं बड़बड़ करने वाली हूँ। नहीं, जस्ट किडिंग। चलो, सो या मैं अभी थोड़ा सा हेयर को लूज पोनी बांध के या ऐसे चोटी बांध के सो जाऊंगी। सो या लिंक, ऑल प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग चेकआउट कर लो। एंड या जो लोग मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं करते हो, वो लोग जाके फॉलो करो जल्दी से। एंड इंस्टा पे मैं एक्टिव रहती हूँ यूट्यूब से ज़्यादा, कोशिश करती हूँ, कोशिश कोशिश ना, ऐसे मुझे हर हर एक लाइन के पीछे ऐड करना पड़ेगा। सो या अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक लव यू ऑल एंड बाय बाय। She said